कंप्रेसर हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, गाड़ियों के एयर कंडीशनर में कंप्रेसर लगा रहता है और इंडस्ट्री में तो पूछो ही मत। एटमॉस्फेयर का प्रेशर 15 PSI का होता है। हमारा काम इतने PSI से चलता नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग बहुत हाई प्रेशर पर ही काम कर पाता है। कंप्रेसर एटमॉस्फेयर के प्रेशर को 10,000 PSI या इससे भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसको इजीली स्टोर किया जा सकता है। कंप्रेसर को हम जनरली एयर कंप्रेसर बोलते हैं क्योंकि एयर को ही कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड जैसे ऑयल, वाटर यह कंप्रेस नहीं होते हैं। रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की हेल्प से कंप्रेसर के बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक मोटर होती है जो पिस्टन की क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी रहती है और पिस्टन मोटर के रोटेटिंग मोशन को लीनियर मोशन में बदल देता है। जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो यह अपने सिलेंडर के अंदर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिससे इनलेट वाल्व ओपन होगा और बाहर की एयर इजीली पिस्टन के सिलेंडर में आ जाती है और उसके बाद इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। कहने का मतलब धोखे से एयर को अंदर लाया जाता है। अब जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो एयर का वॉल्यूम कम हो जाएगा और एयर कंप्रेस होने लगेगी। जितना हमको प्रेशर चाहिए उतनी जब एयर कंप्रेस हो जाती है तो आउटलेट वाल्व ओपन होता है और एयर को टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। अब यह एक बहुत बेसिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। जब एयर कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और पिस्टन रेगुलरली अप डाउन कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से पिस्टन का और सिलेंडर का भी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। और इस कंडीशन में बाहर से जो एयर आ रही है उसमें यदि ऑयल का कंटेमिनेशन है तो सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए बाहर की एयर को अंदर आने से पहले कुछ फिल्टर लगे रहते हैं जो एयर में अवेलेबल डस्ट पार्टिकल और ऑयल कंटेमिनेशन को रिमूव करते हैं। जो आप कंप्रेसर देख रहे हो यह फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर है। यह एयर प्रेशर को 145 PSI तक बढ़ा देते हैं। तो गाड़ियों के टायर में हवा भरने के लिए जनरली इसी कंप्रेसर को यूज में लिया जाता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में भी यही कंप्रेसर लगा रहता है। क्या आप बता सकते हो कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों के टायर में नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करवाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। यदि हमें इससे ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है तो इसी कंप्रेसर में हम एक स्टेज और बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट पिस्टन प्रेशर को 145 PSI तक इंक्रीज करेगा और सेकंड पिस्टन इस प्रेशर को 300 PSI तक बढ़ा देगा। यहाँ पे हमें एक फायदा और मिल जाता है। फर्स्ट पिस्टन एयर का टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ा देगा, तो सेकंड पिस्टन तक जब एयर जाती है इस पाइप के थ्रू तो इसका टेम्परेचर काफी रिड्यूस हो जाता है, तो यह एयर और ज्यादा कंप्रेस होने के लिए तैयार हो जाती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि यदि इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं पहुंचती है तो आपका रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर की वजह से बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाता है। तो एक अलग टाइप का कंप्रेसर डिजाइन किया गया जिसको स्पाइरल कंप्रेसर बोलते हैं। आज के टाइम में लेटेस्ट एयर कंडीशनिंग में इसी कंप्रेसर का यूज होता है। यह कंप्रेसर पूरा ही एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है जिसमें नीचे की तरफ मोटर लगी रहती है और इसमें दो स्पाइरल लगे रहते हैं। एक स्पाइरल फिक्स रहता है और दूसरा मूव करता है। जो मूविंग स्पाइरल है जब बाहर से एयर अंदर आती है तो उसको इस स्पाइरल में ट्रैप कर लेगा और धीरे धीरे मूव करते हुए उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर देगा, जिससे एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इस एयर को साइड में कलेक्ट कर लिया जाता है। जो रोटेटिंग स्पाइरल है वह सेंटर से थोड़ी ऑफसेट रहती है, जिसकी वजह से यह कंप्रेसर बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर सकता है। इसलिए मोटर के पास में कुछ ऐसे वेट लगाए जाते हैं जो ऊपर के वाइब्रेशन को कैंसिल आउट कर देते हैं और कंप्रेसर स्टेबल रहता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह ही काम करते हैं, जिसमें एक अम्पेलर होता है जो बाहर से एयर को खींचता है और आगे कंप्रेस करता जाता है। बेसिकली इनका यूज हमारी गाड़ियों में टर्बो चार्जर में होता है। इसके अलावा टर्बोशाफ्ट गैस टर्बाइन में भी इनका यूज किया जाता है। अब हम कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्रेसर के बारे में बात करते हैं। एयरप्लेन का इंजन, जिसको जेट इंजन बोलते हैं, वह भी एक तरीके का कंप्रेसर ही है, जिसको डायनामिक कंप्रेसर बोलते हैं। इस कंप्रेसर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। बेसिकली ये एयर की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलते हैं। यदि आप जेट इंजन की डिजाइन देखोगे तो आगे से एरिया इसका बड़ा है और पीछे जाते जाते एरिया काफी कम हो जाता है, तो यह हाई स्पीड में बाहर से एयर को खींचते हैं और कम एरिया के अंदर धकेलता जाता है। जेट इंजन के अंदर स्टेटर और रोटर ब्लेड लगी रहती है जो कुछ ऐसे एंगल पर मुड़ी रहती है। स्टेटर ब्लेड फिक्स होती है और रोटर ब्लेड रोटेट करती है। ब्लेड की डिजाइन कुछ ऐसी होती है कि जब एयर इनसे पास होगी तो यह एयर के एरिया को फ्लो की डायरेक्शन में बढ़ाने लगते हैं, और जब एरिया बढ़ेगा तो एयर की वेलोसिटी रिड्यूस होगी। और बर्नौली का सिद्धांत हमें बताता है कि वेलोसिटी का प्रेशर से इनवर्स रिलेशन होता है, जिससे हवा की काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में बदलने लगती है। और जब इन नैरो एरिया से एयर पास होकर बाहर लो प्रेशर एरिया में निकलेगी
तो इंजन को आगे की तरफ फोर्स लगेगा जिससे एयरप्लेन आगे बढ़ता है। तो बेसिकली एयरप्लेन का जेट इंजन एक कंप्रेसर ही होता है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल कंप्रेसर के बारे में, जिसको आयोनिक कंप्रेसर बोलते हैं। बेसिकली यह हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करने के काम आता है, या फिर उन गैस को जिनमें बिल्कुल भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस भी है और एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैस भी है, तो इसको कंप्रेस करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आयोनिक कंप्रेसर बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन पर लगा रहता है गाड़ियों की रीफिलिंग के लिए। बेसिकली इनका वर्किंग मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर के पिस्टन मैकेनिज्म जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर पिस्टन की जगह एक लिक्विड पिस्टन होता है, और यह लिक्विड एक आयोनिक लिक्विड होता है जो बेसिकली एक साल्ट होता है, जिसकी टेम्परेचर विंडो बहुत बड़ी होती है और जो हाइड्रोजन के साथ में सोल्युएबल भी नहीं होता है। इस आयोनिक लिक्विड के नीचे पिस्टन लगा रहता है, जिसको अप डाउन करवाने के लिए नीचे ऑयल भरा रहता है, यानी यह पिस्टन हाइड्रोलिकली ऑपरेट करता है। अब हाइड्रोजन हल्की होने की वजह से पिस्टन में 4 से 5 स्टेज होती है, तब जाकर हाइड्रोजन को कंप्रेस किया जाता है। आयोनिक कंप्रेसर एक लिक्विड कंप्रेसर होने के बाद भी हाइड्रोजन को 14,000 PSI से भी ज्यादा कंप्रेस कर देता है। इस आयोनिक लिक्विड के कई फायदे हैं। एक तो यह फ्रिक्शन को कम कर देता है, जिससे हीटिंग कम होगी, जिसकी वजह से गैस के प्रेशर को और ज्यादा हाई लेवल पर लेकर जाया जा सकता है इजीली। क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही पावरफुल फ्लेमेबल गैस है, तो इसकी हीटिंग का खास कर ध्यान रखा जाना जरूरी है। इसके अलावा यह कंप्रेसर 98% मूविंग पार्ट को रिड्यूस कर देता है, जो पिस्टन वाले कंप्रेसर में यूज होते हैं, जिसकी वजह से इसकी लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा रोलिंग पिस्टन कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर और भी थोड़े कंप्रेसर होते हैं, जिनका वर्किंग मैकेनिज्म एकदम सेम है, बस डिजाइन में फर्क है डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन के हिसाब से। यह सभी के सभी गैस के वॉल्यूम को कम करके एयर के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। यदि आप 3D वर्ल्ड को एंजॉय करना चाहते हो, जिसमें 3D एनिमेशन सीखना, अलग अलग मॉडल बनाना, टेक्सचर्स करना, तो हमारे 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है। और दोस्तों, इसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, तो इसमें पैसा भी बहुत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।